दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों के हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि हमने मॉरेटोरियम 3 महीने के लिए लिया है या मॉरेटोरियम हमने 6 मंथ के लिए लिया है तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो आप हमें डिटेल में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको वो डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपका इतना आउटस्टैंडिंग है, आपका इतना लोन अमाउंट था तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम लेते हो तो आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने पूरे 6 मंथ के लिए मॉरेटोरियम लिया तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आपको विद लाइव दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे भी स्क्रीन देख सकते हो कि हमने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है। तो आप बहुत आसान तरीके से एक वेबसाइट के थ्रू आप का अगर आपने मॉरेटोरियम लिया है तो उसका इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो आसान तरीके से। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है paymentadvisor.in। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, चाहो तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आप आ सकते हो। तो फिलहाल अभी हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डियर कस्टमर आर लेट यू हेल्प टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ मॉरेटोरियम। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि लोन एंड क्रेडिट कार्ड। अगर आपका लोन पे आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह बाकी है तो आपने क्रेडिट कार्ड पे मॉरेटोरियम लिया है तो आपको उस पे उसका इंटरेस्ट देखना है तो आप सेकंड वाले पे क्लिक कर सकते हो जैसे क्रेडिट कार्ड पे। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जैसे कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या ICICI बैंक या कोई भी बैंक हो जिनका जो लोन का जो इंटरेस्ट है मॉरेटोरियम वाला लगभग सेम ही है, कुछ उसमें भी कुछ चेंजेस वगैरह नहीं है। जैसे क्रेडिट कार्ड की भी बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में कहे तो यहाँ पे स्टेटमेंट अमाउंट आ रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे जितना आपका आउटस्टैंडिंग है, जितना आपका बिल है कि आपको पेड करना है तो उस पर अगर आपको मॉरेटोरियम आपने लिया है तो उस अमाउंट को आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हमारा जो बिल है 20,000 रुपये का बाकी है, ओके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर आपका 30,000 है या अगर आपका 10,000 है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे 20,000 रुपये लिखते हैं। तो हमने जो है 3 मंथ्स के लिए मॉरेटोरियम लिया है, जैसे 1 मार्च से लेकर लगभग या आपने अगर जून महीने से लेकर लगभग 31 अगस्त 2020 तक मॉरेटोरियम लिया है तो आप यहाँ पे 3 मंथ्स लिख सकते हो। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 महीने का जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा लगभग 1855 रुपये का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 मंथ्स का। 31 अगस्त 2020 तक मॉरेटोरियम लेते तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये 6 मंथ होते हैं। जैसे कि हम 6 मंथ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 3,881 रुपये का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा लगभग 20,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग पे क्रेडिट कार्ड पे, अगर हमारा 20,000 रुपये क्रेडिट कार्ड का बिल बाकी है तो। यहाँ पे हम अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें 30,000 रुपये हमारा बाकी है, हमने 30,000 रुपये लिखा, अगर हमने 3 मंथ्स के लिए मॉरेटोरियम लिया है तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 2,722 रुपये आ जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम 6 मंथ के लिए करते हैं तो यहाँ पे भी आप अमाउंट देख सकते हो 5,822 रुपीज आ जाता है। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड का। अभी हम आपको बताते हैं कि अगर आपका लोन का आउटस्टैंडिंग बाकी है, अगर आपका पर्सनल लोन है या आपका ऑटो लोन है तो आपको उस पर कितना इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा अगर आप मॉरेटोरियम लेते हो या 3 मंथ्स के लिए या 6 मंथ के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको लोन अमाउंट लिखना है, जैसे कि आपने कितने अमाउंट का यहाँ पे लोन लिया था। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पे हमने 4,50,000 रुपये का यहाँ पे लोन लिया था पर्सनल लोन। यहाँ पे जो हमने टेन्योर जो लिया था लगभग पर्सनल लोन पे वो लगभग यहाँ पे हमने लोन का जो टेन्योर लिया था 48 मंथ का लिया था, यानी कि 4 साल का लिया था। और यहाँ पे जो हमें पेंडिंग जो EMI है, हमारे जो बाकी EMI बचे है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि हमने कुछ EMI ऑलरेडी पेड किए हैं तो इस वजह से हमने लगभग हमारे 20 EMI अभी यहाँ पे बाकी है, जैसे कि इंस्टॉलमेंट हमें 20 EMI अभी पेड करने हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे कि पर्सनल लोन पे हमें इंटरेस्ट रेट कितना पड़ा था, जैसे कि हमें यहाँ पे 13.5 लिखते हैं इंटरेस्ट रेट हमें पड़ा था, तो इसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम पर्सनल लोन पे 3 मंथ्स का मॉरेटोरियम लेते हैं तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा लगभग 8,805 रुपये का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम सेम कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ के लिए तो यहाँ पे 17,898 रुपये का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें कितना बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ सकता है बैंक को। जैसे कि अभी हम कार लोन का भी आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। जैसे कि हमारा जो लोन था लगभग 8,00,000 रुपये का हमने ऑटो लोन करवाया था। जैसे कि लोन टेन्योर जो है हम 60 मंथ करेंगे, जैसे कि हमने 5 साल के लिए लोन को लिया था। पेंडिंग जो लोन अमाउंट था हमारा लगभग यहाँ पे पेंडिंग लोन अमाउंट हम यहाँ पे
20 मंथ ही रहने देते। उसके बाद लो इंटरेस्ट रेट जो हमें पड़ा था लोन लेने के टाइम, लगभग उस टाइम 9.5% का हमें लगा था। तो अभी हम 3 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हमने कार लोन पे मॉरेटोरियम लेने की कोशिश की लगभग 3 महीने के लिए, तो यहाँ पे 8,091 रुपीज़ का हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अगर हम 6 मंथ के लिए कर रहे तो 16,365 रुपीज़ का हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे पेंडिंग ईएमआई वगैरह चेंज करेंगे तो यहाँ पे 30 मंथ करेंगे तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो 3 महीने के लिए 12,613 रुपीज़ हमें देना पड़ेगा। अगर हमने सिक्स मंथ के लिए किया तो हमें 25,551 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि आपके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका लोन अमाउंट कितना है, जैसे कि आपके हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट वगैरह सारा डिटेल आप फिल कर सकते हो और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने कितने मंथ के लिए मॉरेटोरियम लिया। और यहाँ पे आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका 3 महीने के लिए अगर आपने मॉरेटोरियम लिया तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर आपने 6 मंथ के लिए मॉरेटोरियम लिया तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसी तरीके से मॉरेटोरियम का जो इंटरेस्ट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।